राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, तो विपक्ष इसे बीजेपी की पुरानी आदत बता रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, नाम बदलना बीजेपी सरकार की आदतों में शुमार है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो अपना गार्डन बनवाए और उसका नाम अपनी मर्जी से रखे। नई सरकार आएगी तो वो भी नाम बदलेगी, फिर कोई और सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी। सरकार अपना काम करे, मोदी सरकार विकास का काम करे, नाम बदलने की राजनीति की मैं निंदा करता हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सरकार से सवाल किया है। मायावती ने मोदी सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने से देश के करोड़ों लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वरना आम जनता इसे भी सरकार द्वारा अपनी कमियों को छिपाने और नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास ही मानेगी। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी ट्वीट करते हुए मुगल गार्डन का नाम बदलने पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा कि अडानी की लूट से हटाने को ध्यान, मुगल गार्डन को बना दिया अमृत उद्यान। इस मसले पर AIMI के प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी। सच ये है कि बीजेपी लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल नामकरण की राजनीति कर रही है।